ऐसा कैसा ध्यान करूं कि मुझे प्रभु के दर्शन हो जाएं? बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं, कमेंट करते हैं कि मैडम ध्यान के समय प्रतिमा, ईश्वर की प्रतिमा हमारे सामने आती है, कभी गणेश जी, कभी शिव जी, कभी कृष्ण जी, कभी माँ काली, कभी माँ शक्ति, सब लोग आते हैं लेकिन हम उन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, एकदम से झलक आती है और चले जाती है। कैसे प्रभु से संपर्क बनाएं, कैसे उनसे बात करें, कैसे अपने ईश्वर के साथ थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी बनाएं? नमस्कार, पूनम शर्मा शांति वेलनेस सेंटर से। बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जो एक आदि छवि यानी कि थोड़ा बहुत भी संकेत, साइन अपने उन ईश्वर का, अपने उन प्रभु का देखते हैं जिनको वो मानते हैं, जिनको वो फॉलो करते हैं, जिनसे उन्हें डर लगता है। आजकल इंसान अपने आप को बहुत सक्षम समझता है। मोस्टली मैंने देखा है हर कोई पूजा भी सिर्फ एक टाइम पास के लिए करते हैं। मैं एक टाइम पास वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जब हम ज़रूरत समझते हैं तब हम पूजा करते हैं। नियम बहुत बनाते हैं लेकिन पूजा क्या सच्चे दिल से, क्या सच्ची कामना से हम कर पाते हैं? एक वो भक्ति, एक वो डेडिकेशन हमारे अंदर दिखता है। बहुत से लोग हैं कि करते तो हैं लेकिन उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। रिज़ल्ट कैसे? मन की शांति नहीं मिलती। अब रिज़ल्ट का मतलब ये नहीं है कि जो चाहो आप वो पालो। मन की शांति जिसको भी मिल जाए उसकी हर पूजा सफल मानी जाती है। तो वो लोग जिन्हें मेडिटेशन के समय ईश्वर की प्रतिमा या फिर ईश्वर का स्वरूप हल्का से भी दिखाई देता है, उन्हें अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, उन्हें अपने आप को स्टार देना है। ये मेडिटेशन की एक बहुत एडवांस स्टेज होती है जहाँ पर पहुँचना सबके बस की बात ही नहीं है। यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं और यहाँ तक अगर हम पहुँच जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि यार 10 मिनट में अगर हम थोड़ा बहुत भी भगवान को देख पाए, यानी कि अपने ईश्वर को देख पाए, तो अंदर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक सांत्वना मिलता है कि यार ये काम हमारा सफल हुआ, ये हमारा कार्य हमें कुछ दे गया। तो इसलिए सच्चे मन से, सच्ची कामना से मेडिटेशन को कीजिए और फिर देखिए आपको कैसा लगता है, क्या आपके साथ अनुभव होते हैं। ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।